ओके स्टूडेंट्स, सेकंड थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो क्लॉक तो सभी बच्चों ने देखा होगा, तो क्लॉक की ये मिनट हैंड हो गई एंड मिनट हैंड जो है वो उसकी लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस होगा, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में ये जो मिनट हैंड है वो जिस एरिया को स्वेप्ट करेगा उसी का हमें एरिया फाइंड करना है, जितनी एरिया स्वेप्ट करने वाला है ये फाइंड करना है। ये मान लीजिए यहाँ पर कोई भी टाइम था, यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट हो गया। तो हमने आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, एक वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, बाई मिनट हैंड 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो 5 मिनट में आपका 6 × 5 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो ये आपका जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर जो एंगल है वो आपका होगा 30 डिग्री। तो अब मेरे पास रेडियस भी है एंगल भी है, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस में हम लोग 30 राइट करेंगे, 30 अपॉन 360 × 22 अपॉन 7 × r² एंड r के प्लेस में 14 × 14। सो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 12 आपका हो जाएगा, 7 × 2 = 14 एंड 2 × 1 = 2, 6 = 12 एंड यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 3 = 2, 11। ये आपने कैंसिल कर दिया एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 × 4 = 44 एंड 11 × 1 = 15, 154/3 cm². ये आपका आ गया एरिया जो मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में एरिया जितनी कवर की गई है वो आपका एरिया हो गया 154/3 cm².